हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कैरियर प्लस। टुडे वी विल टॉक अबाउट ग्रुप सी टाइपिंग। आज हम बात करेंगे जो है ग्रुप सी की टाइपिंग जो होती है वो किस तरीके से करते हैं। जैसे जानते तो खैर सभी हैं, फिर भी जो एक बार देख लेते हैं, है ना। और जो है ये टाइपिंग जो है आप आर ओ ए आर ओ या ग्रुप सी की जितनी भी जो टाइपिंग रहती हैं कंपटीशन टेस्ट में जो टाइपिंग आती हैं वो हम जो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अब हम देखिएगा इसमें वाइट बोर्ड पे, इसमें जो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो है ग्रुप सी टाइपिंग, ठीक है, कि टाइपिंग की तैयारी कैसे करें इसमें दे रखी है। सबसे पहले ये आप इससे ध्यान से सुन लीजिएगा और हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुनिएगा। इसमें जो है 4 से 5 महीने लगते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी इसकी टाइपिंग के लिए। कहने मतलब क्या, टाइपिंग की आप तैयारी करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी की जो टाइपिंग होती है, स्टेनो की है या क्लर्क की है, तो उसकी, सही है। इसमें जो है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करते हैं, इसके अंदर जो है हिंदी और इंग्लिश की दोनों की टाइपिंग करते हैं। वैसे टाइपिंग की हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है हमने, जो है आप हमारे जॉब जो है आप जो हमारे जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जॉब फोल्डर दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख लीजिए। हमने टाइपिंग की एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसमें हमने ये बताया कितने मिनट में कितनी टाइपिंग करने पड़ती है। हिंदी की मतलब 30 की होती है ना, और इंग्लिश की 25 की होती है। तो मतलब जो भी कुछ है, कहना मतलब मुझे ध्यान नहीं है, मैं फॉरगेट हो गया फिर भी, या फिर उसकी हिंदी की 25 की है, इंग्लिश की 30 की, जो भी है, कहना मतलब आप हमारे जो उसमें देख लीजिए। इसमें आप मैं आपको बताता हूँ सही तरीके से, ठीक है। पर मिनट के हिसाब से होता है उसमें, 30 का 25 और 30 का हिसाब चलता है इसमें जो टाइपिंग में जो है, आप देख लीजिएगा उसमें जो भी वीडियो हमारे जो ऑलरेडी एक इसमें वीडियो बनी हुई है, 25 और 30 का हिसाब चलता है, ठीक है। तो हम देख लीजिए इसमें जो है कि हम जो है इसमें देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी अभी से कीजिए। कहने मतलब क्या, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें जो ग्रुप सी की आप तैयारी करते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं कि लड़के जो हैं क्वालिफाइड हो जाते हैं उसके अंदर। कहने मतलब क्या, एग्ज़ाम तो क्रैक कर लेते हैं, एग्ज़ाम तो तोड़ देते हैं, पर वो जो टाइपिंग जो होती है, टाइपिंग बहुत से लड़के निकल जाते हैं। तो अपनी जो मैंने इसमें एआरओ और मतलब आरओ की भर्ती में भी आपको बताया था कि लड़के एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेते हैं, वो टाइपिंग का जो सिस्टम रहता है ना तो उसमें रह जाते हैं कैंडिडेट जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसमें समझेंगे, इसमें जो है आप जो है शुरुआत में जो टाइपिंग करते हैं, शुरुआती जो टाइपिंग होती है वो टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर एक यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। इसमें क्या, जैसे आप टाइपिंग करेंगे ना रोज़ाना, तो धीरे धीरे आपसे धीरे धीरे इसमें आना शुरू हो जाएंगी। और जब आप इसमें जो आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, टाइपिंग का ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, तो आप जो टॉपिक टाइपिंग का जो है ऑनलाइन टेस्ट भी कर सकते हो। धीरे धीरे आप जो मास्टर सॉफ्टवेयर से आप धीरे धीरे वो शुरुआत में टाइपिंग जो करते हैं ना वो इसी पे करते हैं। इसके बाद इसमें आती है 10fastfingers.com, ये भी एक वेबसाइट होती है, ये आप गूगल पर सर्च करिएगा। गूगल पर आप सर्च करने के बाद 10fastfinger, ये भी शुरुआत में रहती है, टाइपिंग का होता है। इसमें क्या रहता फंडा, इसके अंदर ये है कि आपको इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट भी देखने को मिलता है, इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। इसके बाद कंपटीशन भी होता है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर प्रैक्टिस भी कराई जाती है और इसके अंदर टाइपिंग गेम भी होता है ना। और समझेंगे इसको बारीकी से, है ना। इसमें जो होता है वो और सबसे इस और समझते हैं, गूगल पर सर्च करना है आपको टाइपिंग बूस्ट, क्या ना आपकी बूस्ट भी टाइपिंग होती है, स्पीड आपकी तो बढ़ती है धीरे धीरे इसमें जो होता है ना, मैंने इसलिए यहाँ पे तीर लगा दिया है। गूगल पर जो सर्च करके आप कर सकते हैं इसको, है 10fastfinger, और इसमें वो टाइपिंग कौन कौन सी टाइपिंग बूस्ट भी कर सकते हैं। गेम की तरह होता है ये, जैसे गेम खेलते हैं इसमें आपको इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट कैसा आता है, जैसे आप सिंपल तरीके से कोई टाइपिंग करते हैं तो बहुत बोरियत हो जाती है, 5 मिनट करी 10 मिनट टाइपिंग करी फिर बोरस हो जाती है, ठीक है। इसमें आपको बोरियत नहीं होगी, इसमें क्या, ये आपको गेम की तरह है, जैसे गेम खेलते हैं ना तो बहुत इंटरेस्ट आता है, पबजी वगैरह खेलते हैं या फिर और मतलब एक्सपेजेट गेम खेलते हैं ना, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग मतलब होता है। तो इसमें भी जो है आप ये इसमें जो गेम की तरह टाइपिंग होती है टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है, इसके बाद इसमें देखा एक्यूरेसी जो होती है, इसमें शुद्धता का जो होता है परिणाम होता है। माना कि आज आप जल्दी से टाइपिंग करते हैं ना, तो आपने कितने वर्ड जो हैं वो सही लिखे हैं, कितने गलत लिखे हैं, है ना, सब एक बार में इसमें अंदर शो कर जाता है क्लिक करते ही, ठीक है। और एक बात सुन लीजिए, अगर इसमें आपकी 50+ की स्पीड आ रही है टाइपिंग में, तो आप इसमें जो है अच्छे से टाइपिंग सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये करने के बाद आप जो हो फिर इसमें जो है हिंदू ट्यूटोरियल में आप कर सकते हैं, हिंदू
ट्यूटोरियल है ना, इसमें आप कर सकते हैं। इसमें इसके अंदर जो है ये वाली जो टाइपिंग होती है ना, ये आप कर सकते हैं इसमें, है ना। इसमें क्या रहता है, इसमें जो इसमें शुरुआत में स्टार्ट में करते हैं इसको, हम स्टार्टिंग इसमें लिखा हुआ, इसमें शुरुआत में स्टार्ट करते हैं टाइपिंग। अगर 45 प्लस आ रही की स्पीड आ रही है इसमें भी, मतलब इस टाइपिंग के अंदर आपकी जो है 45 की स्पीड आ रही है, तो इंग्लिश की तैयारी हो गई, समझ लीजिए आप वो हो। इसके बाद आप जो इसमें कर सकते हैं, तो इसके बाद जो है द हिंदू एडिटोरियल में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी जो आप कर सकते हैं, तो अगर आपके 45 प्लस की स्पीड आती है तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छी तरीके से टाइपिंग सीख गए, ठीक है। फिर आपको कंपटीशन में कोई निकालने वाला नहीं होगा, रिटेन में चाहे कम हो जाए, इसमें नहीं हो सकते, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें, अब सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात रहती है, बोरियत जो रहती है वो हिंदी की टाइपिंग में रहती है। इंग्लिश की तो लगभग कर ही लेते हैं ना, ये आपकी हो गई हिंदी की टाइपिंग। इसमें क्या चक्कर है, हिंदी की टाइपिंग के लिए सबसे पहले जो है आपको हिंदी की टाइपिंग के लिए आप याद रखिए कि कौन सी कौन से, पहले तो सुन लीजिए, कौन सी की से कौन सा अक्षर बनता है। पहले तो आप ये समझिए की जो होती है के, है ना, तो उससे कौन सा अक्षर बनता, आप इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा जो है कौन से अक्षर से कौन सी की बनाई जाती है, और लाइन से सारी आपको याद करनी पड़ेगी। क्या नहीं मतलब कि आपको लाइन से वन बाई वन करके जितने भी हैं आपको ये टाइपिंग जो है आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जब आप लर्न कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक स्विफ्ट रहता है, स्विफ्ट का बटन होता है कंप्यूटर पर, तो वह उसके साथ भी आपको जो है याद करना पड़ेगा इसका जो है टाइपिंग सीखने के लिए। जब आप इसकी की याद कर सकते हैं, तो आप कह तो देते हैं कि याद करें, तो करें कहाँ से, कैसे याद हो, क्या चीज़ होती है। अब जैसे मैं बच्चों से कहता हूँ कि वर्ब याद कीजिए, वर्ब याद करिए, करेंगे कहाँ से, तो इसलिए मैंने उनको ट्रिक बताई है। तो मेरा जो जॉब फोल्डर, सॉरी जो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके जो है बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। वो मैंने फोल्डर इसीलिए तो बना रखे हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश की जो है अलग बना रखा है, समोसे कचौड़ी पकौड़े पकौड़े इनकी अंग्रेजी अलग बना रखी है, टेंस कैसे याद करें कैसे लर्न करें उसकी मैंने अलग बना रखी है, है ना। अब छोटे बच्चे होते हैं, मैंने उसकी इमेज लगाई है, भालू भालू आ रहा, भौंकता हुआ आ रहा, बच्चे सीख जाते हैं उससे, है ना। तो ये चीज़ें जो फुल फॉर्म की अलग बनाया फोल्डर मैंने इसीलिए बनाया, आप देख लीजिए जाके। अब जो है इसमें देखते हैं, इसमें जो है आपको करना क्या पड़ेगा, तो बाज़ार में जाके जो है वो आप टाइपिंग की एक बुक खरीदिए, टाइपिंग की खरीद लीजिए, और उस फॉन्ट की किताब से आप जो है टाइपिंग करिए, और उसी फॉन्ट की किताब खरीदिए जिसने आप टाइपिंग सीखी। कहना मतलब क्या है कि आपको मार्केट में जाना है, मार्केट में जाने के बाद आपको वही किताब टाइपिंग की लेनी है जिस फॉन्ट से आपने सीखा है। इसमें देखो, इसमें दे रखा है कि मतलब टाइपिंग की बुक खरीदिए और उसी फॉन्ट की किताब खरीदिए, फिर जो है फॉन्ट पर अपने टाइपिंग सीखी है, फिर वो धीरे धीरे सीखी है। जौन से फॉन्ट पर आपने जौन से फॉन्ट पर टाइपिंग सीखी है, उसी टाइपिंग की बुक खरीदी है उस बुक सेलर से। एक होता कुर्ती देव, है ना, एक होता कुर्ती देव, इसमें हिंदी टाइपिंग, और मंगलयान, एक होता मंगलयान फॉन्ट है ना, ये इसके अंदर टाइपिंग मंगलयान फॉन्ट पे भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक्सरसाइज होती हैं, इस बुक के अंदर कई सारे एक्सरसाइज होंगी 1 से लेकर 10 तक की, वो धीरे धीरे आप निकालना सीखिएगा, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसके बाद जो है अगर आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है, फिर न्यूज़पेपर से टाइपिंग करना सीखिए। अगर न्यूज़पेपर जो होता अखबार की टाइपिंग की अगर आपकी 40 प्लस स्पीड आ रही है, तो आपको कोई काटने वाला नहीं है एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर मुझे इसके अंदर बतानी थी, और ये चीज़ फिर आप जो है इतनी करने के बाद जब आप न्यूज़पेपर के जो टाइपिंग सीख लेते हैं जल्दी जल्दी करने के लिए, फिर आपको जो है 10 फास्ट फिंगर, ये मैंने यहाँ पे आपको दिख नहीं दिया होगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से काट देते हैं। यहाँ पे जो है ये मैंने तीर लगा दिया 10 फास्ट फिंगर की जो है, इस पर .com पर जाके इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप टाइपिंग सीख सकते हैं, अगर कुछ रह गया हो तो मुझे जो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आगे मैं बता दूँगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है एक वीडियो डेली अपलोड होती है हमारे चैनल पे, जो कुछ ना कुछ हम इसमें अपलोड करते रहते हैं, और जैसे जैसे बच्चों के कमेंट आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें वर्क करना पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें वीडियो बनानी पड़ती है। तो आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड जो है, तो हमें आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम आपका जो है
इस पर एक वीडियो अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।